बीपीएससी ने जब से फेज थ्री का नोटिफिकेशन रिलीज किया है उसके बाद से ही जो कैंडिडेट्स हैं जो अप्लाई करने वाले हैं और जो एग्जाम में बैठने वाले हैं उनके बीच ना खासा नाराजगी देखने को मिल रही है और ट्विटर पर तो बवाल ही मच गया है। कारण है जो भर्ती के प्रावधान है वो, और कोई एक या दो कारण नहीं है बल्कि ऐसे ढेर सारे कारण हैं जिसकी वजह से जो कैंडिडेट्स हैं वो नाराज हैं। तो कौन कौन से वो कारण हैं आज हम आपको इस वीडियो में वही बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले ना मैं आपको ये बता देती हूँ कि आखिर आप कब से कब तक अप्लाई कर पाएंगे और एग्जाम कब होने वाला है। नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो कैंडिडेट्स हैं उनको 10 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक का टाइम दिया जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए, उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप इस शिक्षक भर्ती का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको इसी टाइम फ्रेम में अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर देना होगा। अब आपको ये बता देते हैं कि आखिर जो कैंडिडेट्स हैं वो नाराज क्यों हैं और उनकी मांगे क्या हैं। तो सबसे पहले तो ये कहा जा रहा है कि इस बार जो फेज थर्ड की वैकेंसी है उसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट का जो ऑप्शन है उसे हटा दिया गया है, लेकिन इस बार ये वाला जो प्रावधान है ना उसे हटा दिया गया है। इसीलिए कैंडिडेट्स बोल रहे हैं कि जो सप्लीमेंट्री वाला रूल था पहले उसे दोबारा लागू किया जाए। और जो दूसरी वजह है वो है एसटीटी और सीटेट अपेयरिंग स्टूडेंट्स का इस वैकेंसी से बाहर होना। पहले क्या होता था कि जो अपेयरिंग स्टूडेंट्स होते थे, जो अपेयरिंग कैंडिडेट्स होते थे वो भी अप्लाई कर पाते थे, लेकिन फेज थ्री के नोटिफिकेशन के अनुसार जो अपेयरिंग कैंडिडेट्स हैं वो इस बार अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इस वजह से भी जो कैंडिडेट्स हैं बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। और साथ ही कैंडिडेट्स का ये भी कहना है कि जो आयोग है उसने इतनी जल्दी नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है और एग्ज़ाम की डेट भी बता दी है कि उनके पास अब तैयारी करने का टाइम नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, आप फरवरी में एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे और मार्च में आपको एग्जाम देना होगा। तो कैंडिडेट्स का यही कहना है कि उनके पास तैयारी का टाइम नहीं है और उनका आयोग से ये कहना है कि जो थर्ड फेज और फोर्थ फेज है उसका नोटिफिकेशन एक साथ आना चाहिए था और एक साथ ही जो रिक्रूटमेंट है वो होनी चाहिए थी। इसके साथ ही जो कैंडिडेट्स अप्लाई करने वाले हैं उनकी ये भी मांग है कि इस बार की वैकेंसी में डोमिसाइल को लागू किया जाए। उनका कहना है क्योंकि ये भर्ती बिहार की है तो जो डोमिसाइल वाले कैंडिडेट्स हैं उनको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, उसके बाद ही दूसरे स्टेट के कैंडिडेट्स को मौका मिलना चाहिए। तो ये सारे ऐसे प्रावधान हैं जिसकी वजह से कैंडिडेट्स खासा नाराज़ हैं और चेंजेस की वो मांग कर रहे हैं। ट्विटर पे तो एक जंग सी छिड़ गई है, वहाँ पर हर कोई अपनी परेशानी शेयर कर रहा है और मांग कर रहा है कि इसमें बदलाव किया जाए। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर ऐसी वीडियोज़ और देखनी है तो स्टे ट्यून्ड टू एनबीटी टेक। We'll be right back.